हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले श्रीराम फाइनेंस के बारे में। ये स्टॉक काफी टाइम से मैं होल्ड कर रहा था और जल्दी इसमें से प्रॉफिट निकल के मैं यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग का वीडियो आपके सामने लाने वाला ही था, लेकिन यहाँ से कुछ रिवर्सल आ गया है ये स्टॉक के अंदर, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट था वो भी फिर से थोड़ा डाउन आ गया। ठीक है, यानी माइनस में तो नहीं है लेकिन प्रॉफिट है, लेकिन फिर भी जो मेरा टारगेट था उसको काफी टच करके ये फिर से नीचे आया। तो यहाँ पर क्या टारगेट था वो भी हम देखेंगे और स्टॉक आगे क्या कर सकता है तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर चैनल पे देख सकते हो, इसके बारे में लास्ट वीडियो मैंने डाला था ये टारगेट कमिंग सून। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ श्रीराम फाइनेंस मोस्ट ऑफ लोगों के पास नहीं होगा और इस वजह से ये वीडियोस को भी ज्यादा लोगों तक ये पहुंचा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट मेरे पास है इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी मेरे पास स्टॉक होते हैं उसके बारे में मैं वीडियोस डालता ही हूँ। तो ये स्टॉक है और जल्दी से जल्दी इसमें से प्रॉफिट आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्टॉक है पहले श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस नाम से मेरे पास था, उसको ये श्रीराम फाइनेंस में मर्ज हुए हैं। बहुत सारे जो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस भी एक था, तो एक साथ ये मिलके एक अभी फाइनेंस कंपनी बन गई है श्रीराम फाइनेंस। ठीक है, तो यहाँ पर दो तीन टाइप की कंपनीज इसके साथ थी, तो मर्जर के बाद यहाँ पर मर्जर में भी मैंने बताया, तो दो टाइप की मर्जर हुए है, एक श्रीराम सिटी फाइनेंस और सिटी यूनियन और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। तो ये दोनों कंपनी का मर्ज होने के बाद यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस बन गया है। तो इस पर ये वीडियोस मैंने पहले भी डाल चुका हूँ और यहाँ पर श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस ये रह गया था, लेकिन श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जो था स्टार्टिंग में उसमें से मैं कब का प्रॉफिट लेके निकल भी चुका था। ठीक है, तो उस पर भी वीडियोज मैंने प्रॉफिट बुकिंग का वीडियोज मैंने चैनल पर आपको आपके लिए डाला हुआ है, तो आपको देखने मिल जाएगा। और श्रीराम फाइनेंस जो अभी लेटेस्ट स्टॉक है उसके बारे में भी आपको वीडियोस डालते जा रहा हूँ और साथ में जो भी अपडेट हो रहा है वो भी आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर स्टॉक के बारे में डेटा आपके लिए है वो सारी चीजें मैं आपके लिए ला रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो श्रीराम फाइनेंस शेयर है तो इसका नियर टू द टारगेट करके मैंने वीडियो बनाया था, यानी टारगेट कमिंग सून बताया था और ये जस्ट मैंने 13 अप्रैल को डाला था और आज के दिन में यानी 30 अप्रैल के दिन का ये वीडियो है, तो 30 अप्रैल में यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये स्टॉक पर मैंने लास्ट वीडियो बनाने के बाद ये स्टॉक में अच्छी खासी मूवमेंट भी आई थी, वो टाइम पे क्या प्राइस था ये वीडियो के अंदर आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो काफी टाइम बाद ये इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ भी गई थी, स्टॉक काफी बढ़ भी गया था लेकिन वहां से थोड़ा सा रिवर्स हो गया है। ठीक है, तो ये मैं आपको मेरे वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, वहां से आपको दिखा देता हूँ। देखो, इस पर मैंने पोस्ट बनाया हुआ है मेरे वेबसाइट पे और मेरे वेबसाइट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में होता है, फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। तो काफी इजी वेबसाइट है, तो वहां पर आप जाने के बाद आपको जैसे लॉग इन करोगे या तो वहां से आपको ये डायरेक्ट जितने भी मेरे पास स्टॉक है, ये माई स्टॉक है जो मेरे पास है, वो माई स्टॉक आपको यहाँ पर नजर आएंगे, या फिर आप यहां से भी रिसेंट जो भी मेरे पोस्ट हो गए यहां से भी देख सकते हो, यहां पर भी ऊपर आपको मिल जाएगा। तो जो मेरे पास अभी स्टॉक पड़े हैं उसके बारे में यहां पर पूरी इन्फॉर्मेशन है और साथ में जिसमें मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया है उसके बारे में भी यहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो काफी कुछ यहां पर मैं अभी डाल रहा हूँ और साथ में कंटेंट के अंदर भी जो जो कंपनीज के अंदर मैंने प्रॉफिट निकाले उन सारी कंपनीज के वीडियोज यहाँ पर पड़े हुए है, तो यहाँ से आप वो वीडियोज भी देख सकते हो। ठीक है, तो कंटेंट में जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं और यूट्यूब पे है वो सारी चीजें आपको कंटेंट में मिल जाएगा। तो काफी कुछ यहाँ पर आपके लिए बना के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस जो कंपनी है इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेते, जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आज ही के दिन में ये पोस्ट डाला था मैंने 30 अप्रैल को ही, और यहाँ पर आपको नजर आएगा इसका वेबसाइट पे भी एक बार विजिट कर सकते हैं। तो न्यू लिंक से मैं यहाँ पर न्यू टैब पे ओपन कर रहा हूँ और साथ में यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस का न्यूज भी यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर ये भी मैं ओपन कर देता हूँ, तो दोनों चीजें आप देख सकते हैं।
ठीक है। और साथ में यहाँ पर पहले ये भी देख लो कि ये कंपनी का बारे में कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर मैंने दी हुई होती है, जिनको और कहीं जाना नहीं पड़े तो यहाँ से कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। जो शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन इसका होता है कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी करती क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हो। तो ये कौन से लोन देने में है बिजनेस, और NBFC है, 1974 से है, और ये लोन देती है बिजनेसेस को, और इंक्लूडिंग व्हीकल फाइनेंसिंग है, और कंज्यूमर लोन्स है, और बिजनेस लोन्स है, पर्सनल लोन है, मॉर्गेज लोन, ये सारे लोन ये देती है, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है ये, और यहाँ पर ये चीजें आपको हिंदी में भी पढ़ने मिल जाएगी कि ये कंपनी कब से है और क्या किस टाइप में इसका ग्रोथ, आपको सारी चीजें आपको देखने मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर काफी कुछ यहाँ पर मैंने डाला हुआ है, और साथ में मेरे इसमें टारगेट क्या रखे थे, तो यहाँ पर देख सकते हो 1457 का मेरा टारगेट था, और ये 1457 ये टच करके भी आगे ये जा चुका था, लेकिन मैंने वो उस दिन टारगेट नहीं रखने की वजह से, तो कौन से दिन की बात कर रहा हूँ वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन से दिन मैंने ये टारगेट नहीं लिए, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। क्योंकि देखो ओवर ऑल टाइम आप शेयर को देखते ही नहीं बैठ सकते, इस वजह से वो टारगेट छूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वो चीज देखी है, बहुत बार ऐसा होता भी है, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होती है, आज नहीं तो कल फिर से वो रिटर्न वो टारगेट पे आ जाता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर जैसे मैंने वेबसाइट यहाँ पर इसके बारे में ओपन किया, श्रीराम फाइनेंस के बारे में, तो वहां पर आपको कंप्लीट इसके बारे में डेटा देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर दिखा देता हूँ, और उसके रिलेटेड वीडियोस भी मैंने डाले हुए हैं, जो भी मेरे यूट्यूब पे है वही वीडियोस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो वहां पर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो करके यहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि श्रीराम फाइनेंस जो है ये कंपनी का अभी भाव क्या चल रहा है, 1332 का, एक टाइम पे काफी अच्छा भाव पे चल रहा था, लेकिन यहाँ पर ये 5% गिरा हुआ, और ये कौन से डे का है, तो 18 फ्राइडे के दिन का ट्रेडिंग का प्राइस है, तो उस दिन देखो जो भाव चल रहा था यहाँ पर दिखाया, और कितनी गिरावट है, तो काफी अच्छी गिरावट इसमें देखने मिली है। तो इसके वजह से क्या होता है कि टारगेट अचीव ना करने की वजह से ये नुकसान होता है। तो मोस्ट ऑफ कभी कभी मैं टारगेट ले लेता था, तो कुछ लोगों का बहुत कमेंट भी आ जाते हैं, आप जल्दी निकल गए या आपने क्यों बेचा जल्दी, क्योंकि उसके बाद कभी कभी स्टॉक बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ना ही बेचने का नुकसान भी यही होता है कि आप सही टाइम पे नहीं निकलते, तो काफी टाइम और भी रुकना पड़ता है। ऑलरेडी मैं काफी टाइम से इसमें रुका भी हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 5 दिन के अंदर में ही आपको दिखेगा कि ये अच्छा खासा हाई मार के आया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये काफी कुछ इसने हाई मारा था, तो इसका यहाँ पर हाई देख सकते हो, ऑलरेडी ये 52वीं हाई पे जा चुका था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 5 दिन का हाई की भी बात करूँ, और ऊपर से यहाँ पर देख सकते हो तो ये काफी ये बढ़ चुका था, ठीक है। तो इसके वजह से यहाँ पर अपना टारगेट अचीव, यहाँ पर 1439 का हाई दिख रहा है 25 अप्रैल का, लेकिन ये 25 अप्रैल को और भी ज्यादा हाई ये मार चुका था, ठीक है। तो यहाँ पर 25 अप्रैल के भाव अगर देखा जाए, तो इसने काफी स्पीड में वो ऊपर जाके वो टारगेट इसने दिखा दिए थे। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसका टारगेट मेरे टारगेट के ऊपर जाके आया, यानी मेरा भाव कितना था, मैंने टारगेट कितना रखा था, तो 1457, लेकिन ये उससे भी ऊपर गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये 25 अप्रैल का डेट है, और 25 अप्रैल में ये 1457 जाके आ चुका है, ठीक है। तो 1457 यहाँ पर 1469 का यहाँ पर आप देख सकते हो हाई में, ये हाई जो है यहाँ पर आपको वो देखने मिल जाएगा, तो इसने 1469 ये जाके आया है। इस वजह से अगर मैंने टारगेट रखा होता तो सडनली मेरे टारगेट को मेरा टारगेट आ जाता, अचीव कर लेता, और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट उस दिन हो जाता, ठीक है। तो यानी काफ़ी टाइम से मैं होल्ड कर रहा था, वो मेरे जो भी है प्रॉफिट काफ़ी अच्छे ऑलरेडी, देखो बैंक रिटर्न, FD रिटर्न, म्यूचुअल फंड रिटर्न से भी काफ़ी बेटर रिटर्न यहाँ से मैं निकालने की हमेशा कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टॉक से भी उस दिन में अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है, लेकिन ये स्टॉक से निकलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वो टाइम पे मैं अपडेट नहीं था या मैंने देखा नहीं वो चीज़। अगर मैं टारगेट लगा के रखता तो फिलहाल मैंने अभी सारे ऑर्डर जो
टारगेट के आसपास आ गए हैं, उसको जीटीटी ऑर्डर में डाल के रखे हैं, यानी वो जब भी वो भाव आएगा तो ऑटोमेटिकली वो टारगेट अचीव करके वो स्टॉक बिक जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ मैंने रखी है, तो मैं आपको यहाँ पर वही चीज़ दिखा देता हूँ। तो यही होता है कि यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने जो टारगेट रखे थे, यहाँ पर आपको नज़र आएगा 1457, और यहाँ पर ये 1116, यहाँ पर ये चीज़ हुई थी 1469 जाके आया था। ठीक है, तो ये होता है, और मोस्ट ऑफ टाइम बहुत लोगों के साथ भी होता है कि उनका जो टारगेट होता है वो कभी कभी आकर चला जाता है। तो टारगेट कभी रखना ज़रूरी होता है, लेकिन वो इंट्राडे वाले ज़्यादा टारगेट रख लेते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हो टारगेट मोस्ट ऑफ नहीं रख पाते। तो लेकिन अगर अपडेटेड ना रहो तो ये प्रॉब्लम हो जाता है कि आपने उस दिन वो स्टॉक को देखा ही नहीं, या देखा मॉर्निंग में देखा लेकिन दोपहर में वो टच कर गया, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो फिलहाल ये इसके बारे में 1 साल के अंदर जो भी न्यूज़ आए थे, तो यहाँ पर ये न्यूज़ भी आपको मिल जाएगी। जैसे मेरे लिंक से आप जाओगे ये सारे डिटेल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूज़ है। तो 1 साल के अंदर क्या क्या न्यूज़ आई थी ये स्टॉक के अंदर देख सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर श्रीराम ग्रुप का मर्जर था, तभी ये स्टॉक थोड़ा सा देखो उसके बाद गिरावट हमको देखने मिली थी। और उसके बाद यहाँ पर एक न्यूज़ जो आया था, दूसरा न्यूज़ भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये न्यूज़ है, तो श्रीराम फाइनेंस शेयर फॉल किया था 7% से। ठीक है, तो और शेयर लिस्टेड एंड एक्सचेंज, तो श्रीराम फाइनेंस जिस दिन लिस्टेड हो गया था उस दिन भी गिरावट यहाँ पर देखने मिली थी। ठीक है, तो ये मर्ज होने के बाद जो लिस्टेड हुआ था तभी भी गिरावट हमको देखने मिली, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर Q3 के रिजल्ट आए थे, तो उसके बाद थोड़ा सा ये शेयर थोड़ा बढ़ गया था। ठीक है, तो Q3 के रिजल्ट थोड़े अच्छे थे, पॉजिटिव थे। ठीक है, तो लेकिन स्टॉक इतना कुछ ज़्यादा बढ़ा नहीं था। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो श्रीराम फाइनेंस शेयर जो है डिक्लाइन किया था इसने, यानी 28 अप्रैल ये जो लास्ट अभी जो गिरावट देखने मिली उस दिन का है, कि Q4 के नेट यहाँ पर नेट प्रॉफिट आए हुए हैं, जिसकी वजह से स्टॉक गिरावट हमको दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर शेयर में डिक्लाइन आया है डिस्पाइट 18% सर्ज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट 18% से बढ़ा फिर भी ये गिरा है। तो कुछ कुछ लोगों के टारगेट यहाँ पर आपको नजर आएंगे। देखो यहाँ पर मनी कंट्रोल पे यहाँ पर एक टारगेट दिख रहा है प्रभुदास लीलाधर उनके तरफ से, कि ये 1486 तक जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी 1469 तक तो जा चुका था, 1486 जाएगा यहाँ पर, ऐसा ये नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर न्यूज़ भी हमने देख लिए, टारगेट भी देख लिए, और यहाँ पर फाइनेंस देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो क्वार्टरली ये स्टॉक काफ़ी बढ़ता हुआ हमको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेल्स रेवेन्यू यहाँ पर पहले डाउन दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है और प्रॉफिट भी अच्छा बढ़ रहा है। एनुअली देखा जाए तो एनुअली भी यहाँ पर सेल्स बढ़ते जा रहे हैं। बीच में 2021 में कम हुआ था, लेकिन अभी सेल्स अच्छा बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो ये भी चीज़ अच्छी है। ठीक है, तो इनकम अच्छा नज़र आ रहा है, बैलेंस शीट भी यहाँ पर ये स्टॉक में तो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी ही है, टोटल लाइबिलिटीज़ भी लेकिन बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ असेट भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैनेजेबल है, रिस्क मैनेजेबल यहाँ पर नज़र आ रहा है, और रेवेन्यू और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो। तो रेवेन्यू में अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल रहा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अच्छा है, नेट इनकम अच्छा है। ठीक है, तो थोड़ा सा नेट मार्जिन कम हुआ है, लेकिन मेजोरिटी चीज़ें ये स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी है। तो NBFC में सबसे अच्छी कंपनी फिलहाल तो यहाँ पर ये नज़र आ रही है। सबसे अच्छी बोलने से अच्छा अगर ये अच्छी कंपनी भी देखा जाए तो अच्छी है जिसमें अपॉर्चुनिटी है, तो फिलहाल ये मुझे इसमें अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही थी, इस वजह से ये स्टॉक में था मैं। ठीक है, तो फिलहाल ये स्टॉक में जितने भी जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको ये बता दी है, और जो भी इसके पहले के वीडियोज़ रहेंगे आपको ये चैनल पे तो ऑलरेडी मिल जाएंगे, मेरे वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, तो जहाँ से आपको कम्प्लीटली डिटेल में वीडियोज़ के थ्रू भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ में जो टाइम पे सिचुएशन थी, जो टाइम पे शेयर के बारे में जो भी मुझे लगा है, वो सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है वीडियो में, वो भी आप देख सकते हो।
तो इन्फॉर्मेशन देने का मेरा काम है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन दूँ, अच्छे से सारे स्टॉक के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में मुझे नॉलेज है। और यहाँ पर सारे कंटेंट में आपको सारे जो वीडियोस है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, स्टील कंपनीज रिलेटेड, गैस कंपनीज रिलेटेड, जो भी है कंपनीज, यहाँ पर सारे वीडियोस यहाँ पर मैंने बनाए हुए हैं, डाले हुए हैं, ठीक है। तो उसको डिवाइड करके अच्छे से यहाँ पर किया हुआ है, तो ये भी आप देख सकते हो, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है। तो श्रीराम फाइनेंस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है और वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।